हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। तो ये जो कुकिंग की रेसिपी है, ये लास्ट 2 डेज़ बैक की मैं बोल रही हूँ। मतलब एडिटिंग का तो मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं करके ही पोस्ट करती हूँ, लेकिन लास्ट 2 दिनों से वही है कि पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मेरा कैमरा अभी तक नहीं है, सॉरी स्टैंड जो है ना अभी तक ख़राब हुई पड़ी है, मतलब नया लेना नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों के भी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आए, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कौन सा स्टैंड लेना अच्छा होगा, तो मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और ये जो आप रेसिपी देख रहे हो ना, ये साग चौचड़ी बोलते हैं इसको बंगाली में, तो पालंग साग की चौचड़ी है ये। और ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड करी है, ये बर्थडे का दिन का हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे तो यही सब खाना ऑर्डर करवाया था। बेटा ने ना ज़्यादा कुछ लिया नहीं, बस वो 1-2 पूड़ी ही लिया था और जो आलू के चिप्स होते हैं ना वही सब वो खा रहा था, तो बस। और थोड़ी बहुत उसने दही खाई थी, और वैसे तो दही मेरी भी फेवरेट थी, लेकिन इतना सारा खाना ना ख़त्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने उस दिन। तो सुबह से हम लोग बाहर ही थे, थोड़ी देर के लिए घर में आए, 1-2 घंटे के लिए रेस्ट किया, फिर से इवनिंग में हम लोग ने थोड़ी सी पार्टी करी, केक कटिंग वगैरह। तो ये कोलकाता सॉल्ट लेक में ही है ये जगह, तो जो लोग कोलकाता से हैं भौजोहरी मान्ना का नाम आपने सुना होगा, तो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ की जो भी कुकिंग है, जो भी रेसिपीज़ यहाँ पे बनती है बहुत ही अम्मी लगती है खाने में। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना अगर आप कोलकाता से हो तो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि पार्क चलते, बच्चा भी ज़िद कर रहा था पार्क जाने के लिए, तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने पार्क की भी ऐड की है। और ये आप देख सकते हो धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी, और ये धूप मतलब ली जा रही है अभी, वैसी कोई गर्मी वाली धूप ये है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इस धूप में ना बैठ भी नहीं पा रहे थे। ये इवनिंग की थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड करी है, देखिए छोटा सा केक मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कराया था, तो ये देख सकते हो इतना सब कुछ है ना, तो मज़ा आता है ना। कुछ ही समय का है लेकिन बहुत ही इन्जॉय किया, मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया।
तो ये तो थी थोड़ी सी क्लिप बर्थडे की 10th of Feb, और ये 11th of Feb की वीडियो है। तो कुकिंग का टाइम हो रहा था और इस दिन ना मतलब मुझे जाना भी था आधार कार्ड बनवाने के लिए, बेटी को संग में लेके जाना था। तो जल्दी जल्दी से मैं जो भी हो सकेगा मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी सब्जियाँ वगैरह जो भी अवेलेबल है मेरे पास, जैसे कि करेला अभी मैं बना रही हूँ। तो एक्चुअली नज़दीक से मैं नहीं दिखा पा रही क्योंकि स्टैंड ना पूरा बिल्कुल ख़राब सा हो गया, वो बस एक ही जगह फिक्स रह रहा है, तो अप डाउन वैसे कुछ भी नहीं होता, तो वही चीज़ ख़राब हो गई है। तो नया सा स्टैंड मुझे जल्द से लेना पड़ेगा, वरना ना मतलब कुकिंग की कोई वीडियो मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हाथ एक हाथ से ना फ़ोन पकड़ के कुकिंग की वीडियो शूट करना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वही लोग समझ पाएंगे जो एक्चुअली में ऐसे फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो आई थिंक बहुतों के साथ ऐसा होता है ना कि अगर स्टैंड ना काम करे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कोई भी वीडियो को शूट कर पाना अच्छे से। तो इसी वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ मैं क्या क्या कुकिंग कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो आज नहीं बनाऊँगी, और दाल वगैरह मेरी बन चुकी है और बस सिंपल सी सब्जी ये बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हुए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरी ओर से। और आने वाले ब्लॉग का आप इंतज़ार कीजिए क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने सरस्वती पूजा की जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं ऐड करी है, मतलब क्या क्या हम लोगों ने किया उस दिन, कहाँ गए, पूजा वगैरह, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना था नहीं, छोटा सा ही वीडियो बनाना था क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल। तो इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही लेकर आऊँगी ये वीडियो। तो ये आप देख सकते हो, अगर किसी को करेला नहीं भी पसंद है ना, इस तरह से अगर आप प्याज के साथ बनाओगे ना स्टर फ्राई करोगे, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, हॉट राइस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे इस चैनल को। और ये देखिए बेटा मेरा, ये गेम इसको बहुत ही पसंद आता है, जहाँ कहीं भी इसको समय मिलता है बस गेम ऑन करके बस इसका टाइम पास ऐसे ही होता है। तो वैसे भी वीकेंड का दिन था तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, चलो खेल लो।